हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचेत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल किंग्स ट्रैप मेरेशन। फ्रेंड्स, आई स्टार्ट अ सीरीज इन विच आई वांट टू टेल यू ईच एंड द एवरी ट्रैप्स दैट एक्जिस्ट इन द E4 E5 ओपनिंग। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, लेट्स प्रोसीड द वीडियो। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4, इटालियन गेम हियर, नाइट टू F6। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक छोटा सा सजेशन है कि आप इससे प्रीवियस वीडियो को देख के ही इस वीडियो को वॉच करें, यह आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। या ओके, D4 मेन मूव, दिस नोन एज द स्कॉच गेम। हेयर E takes D4 मेन मूव। आप सोच रहे होंगे कि Knight takes E4 भी हो सकता था फ्री पोन को टेक करना। या सो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ पे आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। या बिकॉज आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, अभी गेम जैसे प्रोसीड होगी, ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। या सो कन्फ्यूज़न को हटाओ, प्रीवियस वीडियो को वॉच करो या एंड दोबारा इस वीडियो पे आओ। ओके, सो दिस इज़ अ मेन मूव। But we simply castling short here, bishop to c5 main move. So I am something yum e5, threatening this knight. So knight to g4, knight to h5, हमने previous video में cover किया था। knight to h5 कोई meaning नहीं है, knight to g4 हमने in detail cover किया था। या जिसका link आपको description में दे दिया जाएगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आप इस video को pause कीजिए और उस video को देख के ही दोबारा इस video को watch करने आइए। या ये मेरा आपसे निवेदन है, आप अमल कीजिए इस पर, ये आपको बेनिफिट देगा। आधी अधूरी नॉलेज बड़ी डेंजर होती है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नाइट टू E4 लाइन। या यहाँ पे हम चल देंगे रुक टू E1, और यहाँ पे अगेन टू रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लैक, F5 एंड द D5। लेट अस से F5 सिंपली एन पासेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस नाइट इज हैंगिंग, और ये नाइट D5 से बच सकती है, बट अगेन पॉन टेक्स G7, देन रुक इज हैंगिंग, और ये पॉन अभी भी टेक नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज चेक, एंड ये इसको समहाउ यहाँ पे उसको जाता भी है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल रुक टेक्स D4 चेक, ब्यूटीफुल एक्सचेंज, चेक टेक्स टेक्स, देन वी आर इन विनिंग पोजिशन। ऑफकोर्स हम अपना फ्री में भी पीस दे सकते हैं बिकॉज हम डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। या हम एक चेक देंगे, देन सम टेक्स, देन पॉन पुश टू क्वीन। या इतना करने की भी नीड नहीं है वैसे, डायरेक्ट इसको टेक करके चेक भी दे सकते हैं। तो यह तो यही लाइन थी। या सेकेंड हम देखते हैं D5 लाइन, तो क्या होगा, सिंपली अगेन एन पासेंट, दिस नाइट इज स्टिल हैंगिंग। सो यहाँ पे दो मूव हैं, बिशप टू C5 एंड नॉर्मल C5, एक एक करके हम देखते हैं क्या होगा। या फर्स्ट C5 इतना अच्छा नहीं है बिकॉज फर्स्ट हम इस पॉन को टेक करेंगे, क्वीन टेक्स, एंड हम चल देंगे नाइट टू D2, सिंपली प्रेशराइजिंग दिस नाइट। या आपका हो गई नाइट कहाँ गई, तो एक और सपोर्ट, आप एक और अटैक डालोगे, हम एक और सपोर्ट डालते जाएंगे, आप अटैक बढ़ाते जाओगे बट हम सपोर्ट भी बढ़ाते जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, हम चल देंगे अब रुक नहीं, बिशप टू D5 है ना, हाँ बिशप टू D5, एक और हमने प्रेशर क्रिएट किया इस पर। अब क्या, अब ये सिंपली लॉस है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऑफ कोर्स अब यहाँ मेन लाइन क्या हो सकती है, मेन लाइन ये हो सकती है कि बिशप को क्लोज करे। या सो देन सिंपली नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, देन रुक टेक्स। या और जस्ट फ्यू मिनट बाद हम इस पोजीशन पे आएंगे। या क्योंकि ये डिटेल हमें स्टडी करनी है इस पोजीशन को, बट पहले हम देख लेते हैं
वॉल लाइन दिस बिशप टू सी फाइव, या ये एक ब्लंडर है ऑफ कोर्स, ये क्लियर कट ब्लंडर है बिकॉज हम चल देंगे अब नाइट टू डे टू, टू अटैकर्स या और क्या आपको क्या लगता है, क्या ये नाइट बच जाएगी? आई डोंट थिंक बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है एंड इसके बाद लीगल मूव भी नहीं है या बट समाओ अगर नाइट बच भी जाती है तो फिर हम ये अटैक करेंगे, ये अटैक, दिस इज़ अ वर्स्ट मूव, बिशप टू सी फाइव आई मीन टू से या। चलो अब हम मेन, ओ ठीक है था, अब हम मेन मूव पे चलते हैं जो कि हमने देखा था, दिस टेक्स टेक्स दिस या एंड 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 दिस टेक्स 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 या यहाँ पे हम थे। सो यहाँ से मैं दो वेरिएशन दिखाऊंगा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाने के लिए आपको, या फर्स्ट बिशप टू सी फाइव और इसके बाद, इसके बाद दो वेरिएशन से पहले नहीं, हाँ बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि भी बिशप टू ई सेवन क्या पॉइंट था, बिशप टू ई सेवन का पॉइंट ये था सम हाउ कुछ देर तक के लिए इसको अटैक क्लोज किया जाए, मतलब मीन टू से इस लाइन को क्लोज किया जाए बिशप से बिकॉज किंग ओपन में था ना। तो बिशप टू सी फाइव के बाद मैं आपको दो मेन लाइन दिखाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखाता हूँ नाइट टू जी फाइव, ओ नो माई रुक, ओ नो माई रुक टू मीन टू से एक्सचेंज डाउन, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे, सो दिस इज़ हाउ अटैक प्रोसीड, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिशप नाइट टू जी फाइव या। और अगर ये हमारे बिशप को टेक करता है देन दी ही इज़ गॉन, फाइंड द मूव, पॉज द वीडियो एंड फाइंड द मूव, दिस चेक एंड किंग हैज़ अ टू लीगल स्क्वायर एफ एट और डी एट फॉर दिस इज थ्री लीगल स्क्वायर, ओके दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस चेक हैंग्स द क्वीन एंड विंस द गेम, ऑल्सो दिस सेम हैंग्स द क्वीन एंड विंस द गेम, हैंग्स द क्वीन एंड विंस द गेम, हाँ विंस द गेम, सो दिस इज पॉसिबल ऑफकोर्स, अगेन क्वीन टू जी फोर, अगेन चेक और ये पुश करे मतलब ये नहीं ब्लॉक कर सकता ऑफकोर्स टेक द चेक, सो ये पॉसिबल है। बट अब आप देख सकते हो कि भी ये किंग खुले बाजार में आ गया और हम इसको बहुत अच्छी तरह से पनिश कर सकते हैं, दिस दिस चेक, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ आप लॉस है बट आप पोजिशन देख सकते हो या यहाँ पे कुछ ना कुछ चल के तो हम अपना माइंड चला के ये पॉन पुश करो, ये पॉन पुश करो, दिस चेक और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा ब्लैक, ब्लैक इज अ नो वे क्या, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बट मैं दिखा रहा हूँ ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल है या तो मैंने आपको ये दिखा दिया, इसके बाद बिशप को टेक करेगा देन सिंपली चेक दिस 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 लाइन वेरिएशन ने कवर कर दी, दिस 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 वाले करके या बट अगर वो इस टाइम पे अगर कैसलिंग भी करता है या तो हम क्या कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली बिशप को यहाँ रखेंगे थ्रेटनिंग द क्वीन एंड बिशप हेयर देन सम हाउ हम इसको फोर्क भी दे सकते हैं या सो ये थी एक वेरिएशन जो कि मैं आपको सेकंड वेरिएशन इसमें दिखाता हूँ जो कि है इससे भी अच्छी, दिस या तो मैं आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेट बोलूँगा नहीं आप समझ जाना या इसके बाद हम यहाँ पे एक्सचेंज सेक देंगे, यस आइडिया ये है बिकॉज इसके पास लाइट स्क्वायर बिशप है बट इसके अटैक डार्क डार्क स्क्वायर पे हो रहे हैं या समहाउ इसको प्रोटेक्ट कर भी लेगा ये या बट हम इसको बिशप को यहाँ रखेंगे और इसको पिन कर देंगे, जैसे क्वीन कहीं भी मूव होती है देन यहाँ पे तो नहीं हो सकती, देन हम इसकी बैटरी इस फाइल बना के इसको रोक भी नहीं सकता है, हम इस फाइल पे बैटरी बना के इस
इसको कहते हैं कलर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे दोनों रुक, ये टू रुक्स डाउन है बिकॉज दोनों रुक गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या। और आप कुछ भी चल सकते हो इसके बजाय, जैसे आप क्वीन को कहाँ रखोगे, क्वीन के यहाँ यहाँ रखते हो, नो प्रॉब्लम, चेक। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता आप क्वीन से टेक करोगे, राइट? कर भी दोगे तो कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं है। क्वीन हेयर आइडिया टू पिनिंग दिस या, एंड ब्लैक किंग इज इन ओपन एंड दिस पोन इज ऑल्सो वीक। सो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी आई होप, एंड थोड़ी सी गलती कर दी, गलती में ऑफ कोर्स सेम वेरिएशन यहाँ से भी हम कवर किया जा सकता है या। हेयर आइडियाज टू प्रिपेयर दिस, ऑफ कोर्स आप बताओ, अगर ये मैं रैंडम मूव नहीं कर रहा, डेट से रैंडम मूव, देन नाउ दिस या, एंड नेक्स्ट मूव इज व्हाट, नो वे, ये नहीं हो सकता बिकॉज दिस एंड दिस चेक। अगर इस को समहाउ डिफेंस करने का ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा या, एंड या। तो वही मैं कह रहा था कि इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो ना। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी लेटेस्ट जो था टाइटल लीचेस्ट टाइटल एरिना उस पर था, आई मीन टू से उस पर था, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे वो लीचेस्ट टाइटल एरिना। और 2 to 3 गेम्स में आपको दिखाऊंगा बहुत ब्यूटीफुल पजल्स उस गेम में से। सो नेक्स्ट वीडियो को भी आप वॉच कीजिए और वेट कीजिए उस वीडियो को या। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।